जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों इतनी फेमस है, क्यों इतनी पॉपुलर है? मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग ये आंसर देंगे कि पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ, पॉलिटिक्स की वजह से तो है ही, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से नोटेबल अलुमनाई हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बाबूराम भट्टाराय, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो ऐसे ऐसे नोटेबल अलुमनाई मिले जो कि पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से तो फेमस है ही, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि और क्या क्या फ़ायदे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। क्यों आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्यों ये इतनी ख़ास है? तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, JNU ranked second among all universities in India by National Institutional Ranking Framework NIRF, जिसे हम बोलते हैं। तो ये इस बार सेकेंड नंबर पे आया है amongst all university of India, और 2000 इससे पहले 2020 में और 2019-18 में ये थर्ड रैंक पे था। तो अभी और तरक्की हुई है, तो मीन्स आप सोच सकते कि JNU और आगे बढ़ता जा रहा है, मे बी फ्यूचर में ये फर्स्ट रैंक गेन कर ले। और सिर्फ NIRF रैंकिंग में नहीं, बल्कि ये तो NAAC रैंकिंग में भी टॉप इसने किया है विथ A++ ग्रेड। तो सोच सकते हैं आप दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी कितनी टॉप लेवल की है। यहाँ एडमिशन लेने का सपना सबका है। तो और इतना ही नहीं दोस्तों, हर साल इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च फील्ड को लेकर के हर साल अवार्ड मिलते रहे हैं, हर साल। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ पैराडाइज फॉर यू। ये देश का पहला यूनिवर्सिटी है जहाँ सोशल साइंस के लिए कई तरह के रिसर्च की अरेंजमेंट है। JNU आपके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर हायर एजुकेशन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, चलिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और ये आपको तो पता होना चाहिए इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है। यस दोस्तों, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और क्या आपको पता है इसकी कैंपस कितनी बड़ी है? यहाँ इस कैंपस में आने का सबका सपना होता है, सेल्फीज़ लेने का सबका सपना होता है। तो ज़रूर आपका भी सेल्फीज़ लेने का सपना तो होगा ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस का सपना है यहाँ सेल्फीज़ लेने का, और पढ़ने का भी। ज़रूर ज़रूर आप पढ़ने जाइएगा, तभी तो सेल्फीज़ ले पाइएगा। तो उसके लिए पहले आपको एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कैंपस की। यहाँ का कैंपस बहुत बड़ा है, अबाउट 1000 acres में है इसका कैंपस। तो आप सोच सकते हैं 1000 acres, इतना बड़ा कैंपस होगा। चलिए अब हम प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है यहाँ का। इसकी शुरुआत प्लेसमेंट सेल की शुरुआत हुई थी आपकी 2008 में, और 2008 से अभी तक बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ अगर एडमिशन आप लीजिएगा तो यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स ऑफर, करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और क्या आपको पता है दोस्तों, JNU इज़ नॉट ओनली फेमस इन इंडिया। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है, बल्कि ये देश विदेश में भी फेमस है। JNU ने कोलाबरेट किया है विथ USA, UK, जापान, कोरिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस एक्सेट्रा। तो सोचिए, इसका कोलाबरेशन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी है। तो आपको यहाँ सिर्फ प्लेसमेंट्स आपको इंडिया ही तक नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको इंटरनेशनल भी जाने का मौका मिल सकता है, आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी मिल सकते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो गो फॉर इट, JNU को अपना ड्रीम बनाइए, आपको पूरा फोकस JNU पर डालिए, डेफिनेटली यू विल क्रैक। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे ना, तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।